पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 48वां जन्मदिन गुप्तार घाट की निषाद बस्ती में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। समाजवादी पार्टी के नेता राहुल यादव के नेतृत्व में निषाद बस्ती में केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमाकांत सिंह रहे। गोताखोर व समाज सेवी युवा नेता भगवान दीन निषाद व समाजवादी पार्टी के राहुल यादव के साथ समाजवादी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने निषाद समाज के लोगों के साथ केक काटा व बच्चों को पेन कॉपी और किताब वितरित कर शिक्षा में रुचि रखने की बात कही। सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमाकांत सिंह ने बताया कि आज हम लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 48वां जन्मदिन मनाया है, जिसे हम सभी मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और जनता व प्रदेश का विकास होगा। युवा नेता भगवान दीन निषाद ने निषाद बस्ती में अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया और बच्चों को ट्रॉफी व बिस्कुट बांटे और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कहा कि निषाद समाज अखिलेश यादव के साथ और 2022 में विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत कर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का कार्य करेंगे। जन्मदिन था अखिलेश जी का। हम लोग एक गाँव में निषाद बस्ती है, यहाँ पे सब लोग मनाए, टॉफी बांटे, बिस्कुट बांटे, केक काटे, हम लोग काफ़ी पेन बांटा गया यहाँ पे। और यहाँ पे जो है बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो है आज श्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिन 48वां जन्मदिन मनाया गया। निषाद बस्ती गुप्तार घाट कैंट है और हमारे निषाद समाज जितने लोग थे सब यहाँ पहुँचे और भव्य तरीके से जन्मदिन मनाया गया। सारे निषाद बस्ती के साथ में थे, काफ़ी बांटा गया, केक काटा गया, पेन पेंसिल बांटा गया है। और जो है कौन कौन लोग आज सम्मिलित हुए थे इस कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम में हमारे वरिष्ठ नेता श्री जगदीश यादव जी थे और राहुल यादव पिंटू थे और धोनी भाई थे, बालकिशन भाई थे, ब्लॉक प्रमुख पूर्व थे, इन्हीं सबके साथ विक्रम भाई थे, सबके साथ भव्य तरीके से जन्मदिन मनाया। 2022 के प्रदीप निषाद ने मनाया, कौन सा जन्मदिन वर्षगांठ जो उनकी मनाई है और क्या कहना चाहेंगे जन्मदिन के अवसर पे? आज अखिलेश जी के जन्म उत्सव पर हम लोग सबसे पहले अखिलेश जी को बधाई देना चाहते हैं। ये 48वां जन्म दिवस है उनका और इस गरीब बस्ती में गुप्तार घाट में आके हम लोगों ने बच्चों के निषाद बस्ती में बच्चों को पेंसिल किताब पढ़ने की सामग्री उपलब्ध कराया और बच्चों के साथ हम लोगों ने केक काटा। आज अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता? हम जनता को संदेश देना चाहते हैं कि अखिलेश यादव को आने वाले 2022 में उनकी सरकार बनाया, जितना अच्छा काम अखिलेश जी ने किया था वो सबके सामने, ये 4.5 साल बीत चुका है भाजपा सरकार का और अखिलेश जी का 5 साल सारी जनता ने देखा है, उनका कार्यकाल कैसा रहा और उनका कार्यकाल भाजपा सरकार का कैसा कार्यकाल है। जनता आज जब से 1 साल बीता है भाजपा सरकार के, तभी अखिलेश जी को सारी जनता याद करने लगी उनके कार्यकाल को देख के, उनके काम को देखते हुए। मंदिर निर्माण कार्य जो हो रहा है, मंदिर का चंदन जनता का पैसा है, सब घोटाला हुआ, उसका जांच होना चाहिए उच्च स्तरीय। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका वो बनाया है ट्रस्ट, अगर उसमें घोटाला कोई उठा रहा, कोई विपक्ष का कोई कुछ उनमें लिखा पढ़ी पूरा सबूत दे रहा है, तो उसका जाँच होनी चाहिए, निष्पक्ष जाँच करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। 2022 के चुनाव को लेकर के जनता से आप क्या कहेंगे? 2022 को जनता का हम यही चाहेंगे, माननीय अखिलेश यादव जी को, उनके प्रत्याशी जो भी कैंडिडेट आवे उनको जिता के माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे हम लोग। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।